हेलो, आज की मेरी रेसिपी है चिकन लजानिया, जिसके लिए मैंने लिया हाफ के जी चिकन। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। रेड चिकन सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए थे टमाटर, प्याज और लहसुन, इनको मैंने पीस लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और अजीनोमोटो जाएगा यहाँ पर 1 टेबल स्पून। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून सोया सॉस। आप देख सकते हैं कितने मज़े का सॉस ये रेडी हो रहा है, और आपको इसको बस चलाते रहना है कि लगे नहीं है। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 शिमला मिर्च बड़ी, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, और आप देखिएगा कितने मज़े का ये रेडी होगा सॉस हमारा, लज़ानिया रेड चिकन सॉस। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और बच्चों को भी खिलाएगा, काफ़ी मज़े का बनता है। यहाँ मेरा रेड सॉस रेडी हो चुका है, डन। यहाँ मैंने लज़ानिया स्ट्रिप्स बॉईल करने के लिए पानी ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। अब इसे बॉईल होने देंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा मैं इसमें लज़ानिया स्ट्रिप्स ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं, अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए बॉईल होने देंगे। ये आप देख सकते हैं लज़ानिया स्ट्रिप्स मेरी बॉईल हो चुकी हैं, लज़ानिया स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून घी, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 कप मैं दूध शामिल करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं 1 कप पानी ऐड कर लूंगी। इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। यहाँ मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून काले मिर्च, 1/2 टीस्पून दखनी मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम, और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे जब तक कि ये सॉस रेडी ना हो जाए। अब यहाँ ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो और बस इसको मिक्स करेंगे। हमारा सॉस रेडी हो चुका है, रेडी।